अरे घबराते क्यों हो देशमुख, अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं, बस बंद कर। रामधीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। चतुर सिंह ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए बाराने। बारह आने कम है। ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया। रहेगी कहाँ है, रहम खाया, यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती तेरे झोंपड़े नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है। हाँ। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो? क्यों भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। अरे धनिया इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो अभी तक मरा है क्या? शारीरिक संतुलन। ये ले तेरे पांच पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या पापा और मेरी जेब खर्ची? आ जा बेटे, आ जा, तू ला जा मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही। देख साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले। ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहाँ मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा।